वैसे स्टूडेंट जिनका सत्र 2022 से 25 सेशन है और वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, जो कि अभी 2022 से 25 सेशन जो बीए बीएससी बीकॉम यानी यूजी के अंतर्गत जो आ रहे हैं ना, उनको आपको 2022 से 25 सेशन वालों को यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, एडमिट कार्ड और पार्ट वन का रिजल्ट जो होगा वो देना होगा और एडमिशन स्लिप देना होगा पार्ट टू वाला। और ये जो ऑनलाइन कराएंगे, इसको ऑनलाइन कराने के बाद आपको कॉलेज में जाकर वेरिफिकेशन कराना है। ऑनलाइन करने का मैं इसमें पूरा जानकारी बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। ऑनलाइन करने में डॉक्यूमेंट आपको केवल फोटो और सिग्नेचर यहाँ लगेगा और बाकी सब आपको केवल पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको कॉलेज में वेरिफिकेशन कराना है। पेमेंट करने के लिए और जो कॉलेज का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको भरने के मैं इसमें पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ। ए टू जेड आपको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको पासवर्ड यहाँ पर कैसे बनाना होगा, कौन वाला इसमें रेफरेंस नंबर डालना हो जो यूजर आईडी पासवर्ड के रूप में होता है, और क्या क्या इसमें डिटेल और फिल करना होता है, और क्या इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट हमें देना होगा, उन सभी का मैं पूरा जानकारी इस वीडियो में बताया हूँ। जो वीडियो देखेंगे अच्छी तरह से तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आप अपने 100% आप अपने मोबाइल से भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए ऑनलाइन करने का पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ किस तरह से आपको ऑनलाइन करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको आना होगा क्रोम ब्राउजर में यहाँ पर, और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा मगध यूनिवर्सिटी, ठीक है, मगध यूनिवर्सिटी ऑनलाइन डॉट इन सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर आपको इस वाले वेबसाइट पर चले आइएगा। अगर नहीं आते है आपको यहाँ से तो आप डायरेक्ट यहाँ पर मगध भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मगध लिखने के बाद डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर लीजिएगा मगध यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। ओके, आपको इस तरह से वेबसाइट देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट वाला वेबसाइट जो है ना, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, क्लिक करने के बाद ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब आपको 23 से 25 सेशन के लिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है ना, उसके लिए यहाँ पर आपको यूजी 2023 से सॉरी 2022 से 25 सेशन के लिए भरना है, तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। तो क्लिक करते ही यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन का एक ऑप्शन आ जाता है, जो कि कल तक नहीं शो कर रहा था, आज से शो करने लगा है। तो आप यहाँ पर भर सकते हैं फॉर्म को। ओके, फॉर्म भरने के लिए स्टूडेंट लॉगिन वाला सेक्शन पर आना, इस पर क्लिक करना होगा। अब रही बात यहाँ पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड के, तो यूजर आईडी और पासवर्ड सभी स्टूडेंट के मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है यूनिवर्सिटी के माध्यम से। तो अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड लिख लेंगे। ओके, जो आपके मोबाइल पर आया होगा, मैं आपको स्क्रीन में जो दिखा रहा हूँ ना, इस तरह से आपको आया होगा। ओके, तो अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल लेंगे। जो पासवर्ड जो होगा ना, नाम का फर्स्ट 4 लेटर लिखिएगा कैपिटल में, और डेट ऑफ बर्थ का पूरा डेट डाल दीजिएगा। जैसे मेरा नाम जैसे रोशन कुमार है, यहाँ पर डालूंगा इस तरह से, जैसे पासवर्ड डालना हो ना, तो जैसे RAUS 4 लेटर हो गया। जैसे मान लीजिए आज का डेट है कितना, आज 2 तारीख है ना, तो 02/11 महीना है, 11 डालेंगे, और 2024 चल रहा है तो 2024 डालेंगे। इस तरह से पासवर्ड आपको ऐसे बनाना होगा। ओके, तो पासवर्ड मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ इस तरह से, जो यहाँ पर नाम का ऐसे 4 लेटर होगा और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होगा इस तरह से। तो जो डेट ऑफ बर्थ आपका होगा ना, तो इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ डालिएगा इस तरह से, जो यहाँ पर आपको बताया हूँ मैं। ओके, विदाउट स्पेस के और बिना हाइफन वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, आपको डायरेक्ट इस तरह से लिखना है। ओके, तो इस तरह से अपना पासवर्ड को यहाँ पर बना लेंगे। आपको लॉगिन करना हो तो पासवर्ड यही डाल रहा, ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में डाल लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पर यूजर नेम आपको 20UG से स्टार्टिंग होगा, जो आपको स्क्रीन पर मैंने दिखाया था। ओके, चलिए लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ से और आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डाल लिया है, तो आपको यूजर आईडी इस तरह से देखने को मिलेगा। चलिए लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ। आप लॉगिन इस तरह से हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको नाम दिखा देगा जिस कैंडिडेट का है। ओके, यहाँ पर नाम दिखाएगा, यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पर लिखा परीक्षा एग्जाम, इस पर क्लिक करना होगा आपको। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर उनका सारा डिटेल देखने को मिलेगा, जैसे नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ओके, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा थोड़ा, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो आपका सब्जेक्ट पहले से अवेलेबल होगा। ओके, इसमें आपको अपलोड करना है 50 KB तक लिमिट है आपका, इसमें फोटो अपलोड करना है 50 KB और सिग्नेचर आपको 50 KB के अंदर रहना है। ओके, और यहाँ पर जैसे डिटेल फिल करेंगे ना, यहाँ पर ये आपको डेटा फिल करेंगे ना, तो फिल करने के बाद यहाँ पर ये जो कैप्चर है, यहाँ पर कैप्चर डाल के यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिटेल्स को सारा फिल कर लिया है, और यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर भी अपडेट कर दिया हूँ, और यहाँ पर कैप्चर डालने के बाद सबमिट नाउ पर सेट किया गया है ना, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने है 20 रुपया, ठीक है,
अब यहाँ पर प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है जीएसटी आपको कटेगा, तो प्रोसीड टू पे वाला गेटवे पर क्लिक कर लेना है यहाँ, और यहाँ से आपको पेमेंट करने का मोड ओपन होता है। तो यहाँ से आप जो भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं उस मेथड को आप यहाँ से चुनाव कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर क्यूआर कोड का चूज करने वाला हूँ, यूपीआई क्यूआर कोड चूज करूंगा, और यहाँ से चूज करने के बाद देखिए 18 रुपये यहाँ पर जीएसटी चार्ज काटा जा रहा है, यानी कि 620 रुपये प्लस 18 रुपये यानी 638 रुपये यहाँ पर कटेगा पेमेंट। तो यहाँ पर यूपीआई क्यूआर कोड का सेक्शन चूज करना होगा और यहाँ से आप पेमेंट का मोड में आ जाइएगा। यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और पेमेंट आपका सक्सेस हो जाएगा। पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद एक आपको रिसिप्ट प्राप्त होगा, उस रिसिविंग को आपको प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद अपने कॉलेज में जाकर वेरिफिकेशन करा लेना है। कॉलेज में वेरिफिकेशन कराते टाइम आपको सेकेंड ईयर का आपको एडमिशन स्लिप लगेगा और ये वाला जो रिसिप्ट आपको निकलेगा ये लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड होंगे, जैसे BC1 होंगे या SC/ST उनको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, जनरल और BC2 होंगे तो उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। इतना सारे डॉक्यूमेंट लगा के उनको साथ में जमा कर लेना है। साथ में Part 1 का रिसिप्ट होगा ना, रिजल्ट होगा, तो उस वाला रिजल्ट को भी आपको वहाँ पर साथ में देना होगा। तो इस तरह का भी फिलहाल अपडेट है, और जहाँ भी अगर आपको समस्या आएगा इससे रिगार्डिंग आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन जल्दी देने का कोशिश करूँगा। फिलहाल अभी मिलते हैं एक नए वीडियो में टॉपिक।